जय श्री श्याम दोस्तों, मैं हूँ राखी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल LACT राखी रसोई में। आज आप सभी के लिए मैं फिर से एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, तो चलिए शेयर करने वाले हैं आज आप सभी के साथ में लौकी की रेसिपी। तो फुल रेसिपी आप सभी देखना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। फुल रेसिपी शेयर करते हैं आप सभी के साथ में। तो आज चलिए आप सभी के साथ में शेयर करते हैं लौकी के कोफ्ता बहुत ही आसान तरीके से। तो लौकी को अच्छी तरीके से छील के साफ कर लिया है। साफ करने के बाद देखिए अच्छी तरीके से इसे घिस लिया है। घिसने के बाद तो चलिए सबसे पहले कोफ्ते की तैयारी करते हैं। तो कोफ्ता बनाने के लिए बड़ा सा बर्तन लिया है, उसमें सारे घिसे हुए लौकी डाल देंगे। लौकी डालने के बाद इसमें डालूंगी 4 से 5 चम्मच बेसन। थोड़ा सा बेसन बचाकर रख लूंगी, आगे लगेगा तो डालूंगी वरना रख लेंगे। तो देखिए इसमें डाल दिया है प्याज और हरी मिर्च। प्याज हरी मिर्च डालने के बाद इसमें डाल दिया थोड़ा सा हरा धनिया। उसके बाद अब इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। अच्छी तरीके से हाथों से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद देखिए इसमें थोड़ा सा बेसन जो बचा के रखी थी उसे भी डाल देते हैं। थोड़ा कम लग रहा है इसे मिक्स करने में। देखिए वाइंडिंग जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से हो गया है, अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इस तरीके से जो है हाथ में पकौड़े लेकर डालते जाएंगे तेल में। तो इसे 2 मिनट के लिए साइड में रखते हैं जब तक हम इधर मसाले तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए मसाले इधर जो है, मसाले मैंने लिया है लहसुन अदरक हरी मिर्च प्याज टमाटर और थोड़ा सा हरा धनिया का डंडी लिया है। ये डालना चाहे आप सभी तो डाल सकते हैं, ये वैसे ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है इसका। बस मुझे स्वाद अच्छा लगता है इसीलिए मैंने डाल दिया है। सभी चीज़ों को अच्छे से पीस लिया है। इधर देखिए हमारा तेल भी गर्म हो गया, उतनी देर में मैंने मसाला पीस लिया है और इधर तेल भी गर्म हो गया। तो फटाफट से जो है कोफ्ता फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। तो अच्छे से तेल गर्म हो गया है, थोड़ा थोड़ा सा जो है मिक्सचर हाथ में लेंगे और इस तरीके से बॉल बनाकर डाल देंगे। अच्छी तरीके से डालने के बाद एक बार में 4-5 पीस जो जितना भी आ जाए उतने डाल देंगे और थोड़ा सा वेट करने के बाद थोड़ा सा इस तरीके से पलट देंगे। हमारा कोफ्ता जो है अच्छी तरीके से पकना चाहिए, ये ध्यान रखें। और ये देखिए मीडियम फ्लेम पे जो है अच्छी तरीके से कोफ्ते को फ्राई कर लिया। अब इसे निकाल लेते हैं। इसी तरीके से सारे कोफ्ते को फ्राई कर लेंगे। तो साथ ही मैंने लिया है आलू। तो 2 मीडियम साइज का आलू को मैंने इस तरीके से लंबाई में काट लिया, अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसे भी फ्राई करके डाल देते हैं। बच्चे अगर पसंद करते हो आपके खाना, चाहे आप करते हो तो डालिएगा, वैसे ज़रूरत नहीं है। तो मेरे बच्चे पसंद करते तो मैंने आलू भी फ्राई करके डाल दिया है। और देखिए कोफ्ता जो है बहुत ही अच्छी तरीके से हमने बना लिया है। अब चलिए इसके लिए मसाले की तैयारी करते हैं। मसाले में मैंने लिया हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और किचन किंग मसाला। ये सारे मसाले ले लिया है। थोड़ा सा मैंने कसूरी मेथी 2 चम्मच के करीब डाल दिया है। और इस तरीके से मसाले के घोल बनाकर डालेंगे ना तो सब्जी बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो देखिए थोड़ा थोड़ा सा जो है पानी इसमें डाल करके इसका घोल तैयार करेंगे। अब इसे साइड में रख लेते हैं। अब दूसरी तरफ चलिए हम मसाले की ग्रेवी बनाकर दिखाते हैं। ये देखिए आलू भी अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। अब इसे भी साइड में निकाल लेते हैं। अब इसी तेल में जो है मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। गर्म होने के बाद 1/2 चम्मच जीरा डाल दिया है। इसमें थोड़ा सा हींग ऐड कर दिया है। अब जो है इसे थोड़ा सा कम कर दूंगी फ्लेम, गैस फ्लेम को थोड़ा सा कम करके उसके बाद ये मसाला ऐड करें। इसे हुए सारे मसाले जो है ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद मसाले को अच्छे तरीके से भूनना है पानी ख़त्म होने तक। तो अच्छे से जो है मसाले को भून लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। ये देखिए मसाले में जो है पानी ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा तेल छूटने लग गया। अब उसके बाद जो है इसमें ऐड किया है मैं जो मसाले की घोल बनाकर रखी थी, सूखे मसाले की घोल, तो उसे इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरीके से इसे भूनेंगे तेल छूटने तक। अब ढक करके इसे भून लेते हैं। ये देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है मसाले में तेल छोड़ दिया है और फ्लेम लो पे भूना है मैंने मसाले को, बहुत ही बढ़िया तरीके से मसाले भुना है। अब चलिए इसमें ऐड करते हैं ग्रेवी। तो ग्रेवी देखिए मैं बहुत ज़्यादा भी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि ज़्यादा पतला भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ा ही ऐड करूँगी ग्रेवी। उसके बाद इसमें देखिए आलू ऐड कर दूँगी।
आलू ऐड करने के बाद अब इसको अच्छी तरीके से पकाना है ग्रेवी को। अभी इसमें कोफ्ते को ऐड नहीं करेंगे, कोफ्ते को लास्ट में ऐड करेंगे, दिखाएंगे आप सभी को। तो ये देख सकते हैं ग्रेवी जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से पक गया है। इसमें डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद इसको मिक्स कर देंगे और अब इसमें डालेंगे कोफ्ता जो बना के रखी हूँ, इसे लास्ट में ऐड करेंगे। इसे डालने के बाद पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। अब इसको ज़्यादा पकाएंगे तो सारे कोफ्ते जो है टूट जाएंगे, इसीलिए इसको पकाना नहीं है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा डाल दिया है घर का फ्रेश क्रीम, ये ऑप्शनल है गाइस, ये आप सभी डालना चाहें तो डाल सकते हैं वरना इसमें ज़रूरत नहीं है। आप सभी को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी गाइस कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले। आप सभी के लिए ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी लाती रहूँगी। नए चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।